रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। जब आपन हो जाई पराया तो बताई कहाँ रह भाई। स्थिति ऐसा हो गई बा कि नीतीश कुमार के लगातार अब अपने लोग विरोध कर रहा बा, अपना लोग उनका के समझा रहा बा। जो काल तक ले नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलत रहे, अब नीतीश कुमार के रास्ता देखावे लागल बा। ऐसने स्थिति फिर एक बार आ गई बा तब जब नीतीश कुमार उपचुनाव में करारा हार झेल रहा बा। एक तरफ वो हार से परेशान बा, ओजा दूसरा तरफ उनका के नसीहत देवे वाला लोग के संख्या लगातार बढ़ल चल जाता। भारतीय जनता पार्टी से तो परेशान रहले रहे, अपना पार्टी के लोग से भी वो परेशान रहते रहे। एकरा में एगो नाम अजय आलोक के भी आ गई बा। अजय आलोक के वह जानत हो कब कि सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहे और उनका बयान के मीडिया सोशल मीडिया बड़ा गहराई से अध्ययन करेला, ओकरा पर बड़ी तवज्जो देला, कारण कि उनका बयान बड़ा विस्फोटक होला। प्रवक्ता रहले हा, ओकरा से इस्तीफा दे चुकले जदयू से। जदयू के प्रवक्ता रहते हुए नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी के बेहतर ढंग से रखे वाला में इनको नाम रहा शामिल, लेकिन बार बार 2019 के लोकसभा चुनाव के समय से लेकर के और चुनाव परिणाम अयला के बाद तक जौना तरीका के अजय आलोक लगातार समर्थन करत आवता रहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसा मुद्दा के, जौना मुद्दा से जदयू अपना के अलग कर लेबा, जैसे धारा 370 तीन तलाक 35 से कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर, ये सब मुद्दा पर जदयू जन बा वो भारतीय जनता पार्टी से अलग रहे के प्रयास और देखावा करेला। एकरा के देखावा ही करब, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुद्दा पर पूरे कानून के लावे में कहीं से रोक ना पावल जदयू, ना एकरा पर मजबूर कर पावल जौन कि पिछला 16-17 साल से करत आवत रहे। आखिरकार कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए, यही बात के लेकर के अजय आलोक कोर्ट कैले रहन, और अजय आलोक लगातार प्रवक्ता रहते हुए भी यह बात के इस तरफ इशारा करत आ गए कि नीतीश कुमार के ये सब मुद्दा पर अब अपन विचार स्पष्ट कर देवे के चाहिए और एक समर्थन कर देवे के चाहिए, कारण कि ये देश के मुद्दा बा। हालांकि यही मुद्दा पर उनका इस्तीफा भी देवे के पड़ल और इस्तीफा दे देले, प्रवक्ता तो नहीं कहन, लेकिन उनका बयान के वैल्यू आज भी उतना ही बा। एक बार फिर से जौनी हार भइल है उपचुनाव में नीतीश कुमार के करारी हार के बाद, वो एक बार फिर से अपन एगो बयान जारी कैले है सोशल मीडिया में और ओकरा माध्यम से वो इशारा कैले है नीतीश कुमार के कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुटता देखावल बहुत जरूरी बा, तभी आगे आवे वाला 2020 के चुनाव में कोई सार्थक परिणाम आ सकेला, और एकजुटता बहुत जरूरी बा। उनकर कहना बा कि जौना मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देश कर रहल बा, लोग कर रहल बा, बहुसंख्यक कर रहल बाड़े, वह मुद्दा पर नीतीश कुमार के भी खड़ा हो जाए के चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। नीतीश कुमार खड़ा हुई हैं कि ना हुई हैं, का करी हैं, ये तो समय बताई, लेकिन अजय आलोक के बयान के बाद से एक बात तो साफ नजर आ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जे भी सोचे, लेकिन नीतीश कुमार के लेके उनका पार्टी में विरोध जबरदस्त चल रहा बा। अजय आलोक सिर्फ अकेला नहीं खन, ऐसा कितना अजय आलोक के फहरिस्त जदयू में अब खड़ा हो गई बा। जदयू में एक धड़ा जौन बा वो यह बात के समर्थन करता जो नया पीढ़ी बा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के साथ जुड़ल रह जाओ, लेकिन एक धड़ा जौन बा वो पुरान धड़ा जौन लोहिया के विचार के लेके चलला, जेपी के विचार के लेके चलला, वो धड़ा के कहना बा कि भारतीय जनता पार्टी के सारा आइडियोलॉजी से हमनी के अलग रह के ही बिहार के राजनीति में टिकल रह सकेले जा। हालांकि नीतीश कुमार के हार बहुत बड़ा हार ऐसे कहल जा रहा बा कि 5 में से मात्र 1 सीट उनका हाथ में आई, झटका तो विपक्ष के भी लागल बा, झटका तो पूरा बिहार के लागल बा, लेकिन सबसे बड़ा जो झटका बा वो ई बा कि आवे वाला 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार अपना के कौना रूप में ले आके खड़ा करी हैं, उनका सोच का हुई, उनका रणनीति का हुई, एकर खुलासा अब वर्तमान में अंदाजा लगावल मुश्किल बा, कारण कि हर कोई अपना अपना हिसाब से विवेचना करता और सब पर नीतीश कुमार एक चीज़ कह के सारा मामला पर विराम लगौले बाड़न कि उपचुनाव में हार के मतलब बा कि 2020 में बड़ा जीत मिली।
अब जीत कैसे मिली ये तो वक्त बताई, लेकिन अभी जौन स्थिति नीतीश कुमार के बा वो स्थिति में कहीं ना कहीं फिर से एक बार घुटन महसूस जरूर करत हुई है। अजय आलोक के बयान बहुत कुछ कह रहा बा कि जदयू में अब नीतीश कुमार के बात माने खातिर विरोध करे खातिर लोग तैयार बा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।